भाइयों बहनों मित्रों, ये तो मैं गाली देता। इन्हें से अच्छा है फांसी के फंदे पर लटक जाना, इन्हें से यूपीए में जेल के अंदर बंद हो जाना है। फूट डालो, देश को लूट डालो, बगैर सजा के छूट डालो। मांगा हो गया, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो गया। अरे भैया, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू पुलिस कमिश्नर और हिंदू बेटियां खतरे। गांजा में रिया चक्रवर्ती के नागिन डांस हो रहा था, 7 साल नोट को नहीं चला पाया, वो 70 साल का हिस्सा मांगा। 24 घंटा झूठ पर झूठ, झूठ संग में गया। जो मर्द था उन्हें फांसी के फंदे को चुमा, उन्होंने उम्र कैद की सजा सही। हर भगवा पहनने वाला संत नहीं हो सकता है, हर भगवा पहनने वाला कालनेमी राक्षस संत नहीं हो सकता है, तो रामायण हमको यह सीख देता है। इसलिए कृपया अपनी अकलमंदी अपने पास रखें पत्रकार महोदया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले जो आपको शादी करके जीवन भर घुट घुट कर मरने को छोड़ दे। नहीं चाहता। सुनिए, पहले बात, मारी का सम्मान अगर करते प्रधानमंत्री जी, तो प्रधानमंत्री जी की माँ जब मरी तो यशोदा बहन जी को दर्शन करने दिया जाता, अंतिम दर्शन भी नहीं, क्रियाकर्म में भी शामिल नहीं, मुंडन तक नहीं कराया। इनका हिंदू धर्म से, राष्ट्र धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अभी एक रघुवंशी पत्रकार पकड़ाया है, अभी प्रदीप करुलकर जो आरएसएस के कार्यशाला में, पाठशाला में, संस्कारशाला में जिनकी 4 पीढ़ियां पढ़ी है, वो पाकिस्तान की खुफिया जानकारी दे रहा था। इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, और इनकी नजर जला दें, आज देश की मुखबरी कर रहे हैं, पाकिस्तान की कर रहे हैं। मैं बताऊं ना, तब इन्होंने देश, जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया, जो मर्द था उन्हें फांसी के फंदे को चुमा, उन्होंने उम्र कैद की सजा सही, उन्होंने काला पानी की सजा सही, देश के लिए कुर्बान हो गया। ये लोग तो मुखबिर लोग थे, नामर्द लोग थे। इन्होंने एक भी आरएसएस के लोगों को आप अगर देश की आजादी की लड़ाई में बता देंगे तो आप जो कहें मान लीजिए। 1924 में हेडगेवार ने आरएसएस छोड़कर 25 में स्थापना की रॉयल सीक्रेट सर्विस की, जो हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी ब्रिटेन के महारानी को दिया करता था। उनका कोई लेना देना नहीं है राष्ट्र से। और जिस हिंदू धर्म की बात आप कहते हैं, हिंदू धर्म में 84 लाख यौनों के भरण पोषण की बात होती है, उसमें इंसान के साथ नफरत की बात कैसे हो सकती है। उसी हिंदू धर्म में माँ सीता का कहानी हमने देखा, माँ सीता ने रोई तो रावण का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी ने रोई तो 100 कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे राजपाट का सर्वनाश हुआ, माँ देवकी ने रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ। हमने तो देखा है, हमारा धर्म बताता है कि नारी सर्वत्र पूजते, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का आवास होता है। ये तो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं कि इनके मशरूम की सब्जी खा रहे हैं 80,000 का। इतने बेशरम है कि इनको इतना नहीं है कि 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट पहनकर 80,000 का मशरूम खा। कहते हैं कि मोदी जी अपना खर्चा खुद उठाते हैं। मीडिया बहुत सारे हैं, कहाँ सोते हैं, प्लेटफॉर्म पर सोते हैं। अरे भाई एक बात बताइए, कहाँ सोते हैं वो, प्लेटफॉर्म पर सोते हैं। तब तो ये गलत है कि भारत का प्रधानमंत्री प्लेटफॉर्म पर सोता है। और खर्चा का आंकड़ा देखिएगा, खाली स्नो पाउडर लगाने का 1 करोड़ रुपया में बिल आता है, ये बरगलत है। मीडिया क्या है? अरे भाई यही मीडिया है जो 2000 के नोट में चिप बता रहा था कि आप नोट अगर 150 किलोमीटर धरती में भी रखिएगा तो सेटेलाइट से वो पकड़ में आ जाएगा। तो जो आदमी 7 साल नोट को नहीं चला पाया वो 70 साल का हिसाब मांग रहा है। आपने 2000 का नोट लाके क्या बोला था? भ्रष्टाचार खत्म होगा। आप कह रहे हैं 2000 का नोट बंद करके भ्रष्टाचार खत्म। यही तो है प्रधानमंत्री के अनपढ़ होने का, चौथी पास पर राजा का, यही तो करामात है। अगर पढ़े लिखे अरे भाई फिर आप लोग यही बात करते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते, आप एक बात बताइए, अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है बार बार? सर कहाँ गिर रही है, कहाँ गिर रही है? 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन रहा है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन रहा है इंडिया। कहाँ से पढ़ के आए? $11 ट्रिलियन 5 साल में मोदी जी ने उद्योगपतियों के माफ कर दिए, सारे बैंक डूब गए, रेल डूब गया, सेल डूब गया, बेल डूब गया, कौरी के दाम में बेच दिया। ये गोवलकर का किताब पढ़ के आए हैं, आरएसएस के पाठशाला से। 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। अडानी के फ्रॉड पर आप नहीं बोलते, 20,000 करोड़ रुपया किसका था भैया? 20,000 करोड़ रुपया। और जब एडर्सन ने, हिंडरबर्ग के एडर्सन ने रिपोर्ट छापी तो LIC और SBI कैसे शेयर खरीद रही थी, आज LIC की क्या स्थिति है बता दीजिए आप, सही से बताइए। गांजा में रिया चक्रवर्ती के यहाँ नागिन डांस हो रहा था, अमुद्रा पोर्ट पर 30,000 टन पकड़ा गया, ड्रग दो अडानी का कंटेनर भर कर लो। तो कोई कार्रवाई हुई? आप बताओ, अगर हमारे यहाँ 5 ग्राम क्या 1 ग्राम पकड़ा जाता तो हमारे यहाँ आ गया होता। अभी NCB बानखेरे का देख लीजिए, बानखेरे की कहानी देख लीजिए, वहाँ KP घोषाली भानुशाली क्या कर रहा था, NCB के अधिकारी बन के काम कर रहा था। ये देखिए, DRDO में जाइए, जिस संस्था में जाइएगा वहाँ RSS के लोग जुड़े हुए हैं। अब सारा हाईजेक हो गया है हिंदुस्तान का सब कुछ, और सब चौपट कर दिया गया है, आप उस पर बात ही नहीं करते। आप बात कीजिए ना, देश लूटने वाले को जेल क्यों नहीं डाले? आज तक नहीं, मोदी मेहुल चौकसी नहीं आ गया, आपका डंका बज रहा था। पंकज भाई, ये लोग वोट से की विचारधारा से लड़ रहे हैं, इसके बाद क्या मतलब, ये गांधीगिरी के हिसाब से लड़ रहे हैं, अनशन पे हैं, जबकि वो जो विपक्ष है वो तो सीधा गोडसे और उनको मानता है RSS को। गोडसे देश का पहला आतंकवादी था, समझिए। ऐसे क्या जीत हो गया? सुन तो लीजिए भाई, अंग्रेजों ने जो हथियार दिए थे
किसको दिए थे? गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ को। और 3 दिन बाद वो चोरी हो जाती है और उसी पिस्टल से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या होती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, पहले इसको तो प्रकाश डाल लीजिए। बिल्कुल, जिस पिस्टल से हत्या हुई और आखिर गोडसे को गोदना गोदाने की जरूरत क्यों पड़ी, समझिए। वो दंगा कराना चाहते थे देश में, तो उसे साफ साफ स्पष्ट है। जब साफ साफ स्पष्ट है तब इस पर बात आप पूछ रहे, आप कहिएगा सावरकर के नाम पर संसद उनका नाम होगा, भीमराव अंबेडकर के नाम पर क्यों नहीं होगा, और प्रधानमंत्री संसद का उद्घाटन क्यों करेंगे, राष्ट्रपति क्यों नहीं करेगी, जब राष्ट्रपति सर्वोपरि है, राष्ट्रपति चूंकि आदिवासी समाज से है इसलिए उनसे उद्घाटन नहीं कराइएगा। आप बताइए, आप क्यों नहीं करेंगे? मोदी जी जिसको चाहेंगे वही बैठाएंगे। सुनो सुनो ना, आदिवासियों की जमीन है झारखंड के नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज में, आज क्या हो रहा है वहाँ, आप जाकर देखिए आदिवासियों के साथ क्या सलूक हो रहा है, आपको नहीं दिखेगा ना। कानून क्यों नहीं बदल देते, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को काहे नहीं चेंज कर दिया जाता? हमने 245 गांव गया था झारखंड के गुमला लोहरदगा के इलाके में, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, क्या अन्याय है, दलितों के साथ क्या अन्याय है? आप हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, निजीकरण के नाम पर आप सारे रिजर्वेशन खत्म कर दिए, उस पर आप सवाल नहीं पूछते। लेटरल एंट्री के तहत यूपीएससी में जो मेधावी लोग थे जिनको आरक्षण का सुविधा मिलता, उनको ना दे के आपने ओम बिरला की बेटी को बना दिया। ओम बिरला की बेटी कहाँ से ये है बताओ? आप बीसीसीआई में अमित शाह के बेटे को बना दिए, आप बताओ ना। गेंद नहीं पकड़ने आता, कैसे गेंद फेंका जाता है वो भी नहीं पता है, उसको बीसीसीआई का उसके लिए कानून बदल दिए आप उस पर नहीं चर्चा करते। देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जब तक आप लोग ईमानदार नहीं होंगे, सरकार शासन सत्ता से सवाल नहीं पूछेंगे, देश का इसी तरीके से बुरा होता रहेगा। हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि आप ये सब छोड़ दीजिए, लिफाफे वाला चक्कर, अब आप काम कीजिए, थोड़ा सा जमीर जिंदा कीजिए। जो पत्रकार का धर्म है आपको, पत्रकारिता का धर्म आपको, भारत माँ का धर्म, आप सवाल पूछिए कि 300 किलो RDX 50 किलो जेलेटिन और वो कार किसकी थी? अब तो सतपाल मलिक भी कह रहा है कि हमें चुप रहने की बात कही गई, तो उल्टा CBI ED सतपाल मलिक के रिश्तेदारों को और उनके गिर गिर के लोगों को क्यों छापा मार रही है? यही शुभेंदु अधिकारी था जब TMC में था, CBI ED इनकम टैक्स छापा मार रहा था, जब से भाजपा में आया नेता प्रतिपक्ष हो गया। हेमंत विश्व शर्मा में जल स्कैम के बारे में आप सुने होंगे, नारदा सारदा के बारे में सुने होंगे, बहुत सारे तमाम आरोप लग रहे थे। बीजेपी में आया मुख्यमंत्री बना दिया गया। नारायण राणे महाराष्ट्र में जमीन घोटाले से जुड़े थे, तो आप उस पर सवाल ही नहीं पूछे, आप लोग भूल जाते हैं और लोगों को भुला देते हैं। कश्मीरी पंडितों को 12 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, उनके घर और मकान उजाड़ दिए गए, आप नहीं दिखा रहे। आप जोशीमठ के हिंदुओं की व्यथा नहीं दिखा रहे। आप घोड़ी गाँव में 40 मंदिर तोड़ दिए गए, नहीं दिखा रहे। आप अयोध्या में भक्तिपथ रामपथ में लोगों को जबरन दुकानें मकाने खाली करा ली गई, उन्हें दिखा रहे। आप कब दिखाओगे? केरला स्टोरी दिखाओ ना। आप केरला स्टोरी कह रहे हैं ना, केरला स्टोरी में जिस 25,000 की बात की जा रही थी वो फ्रेम निकला, लेकिन गुजरात में NCRB नेशनल क्राइम ब्यूरो ने कहा कि 42,000 महिलाएं गायब है। आप बता दीजिए उसमें कितने हिंदू महिलाएं हैं और वो महिलाएं हैं कहाँ, क्यों नहीं बता? मना लीजिए, मना लीजिए उस पर फिल्म गुजरात स्टोरी है। हिम्मत किसी में सवाल है पूछने का? किसी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि गुजरात की 42,000 महिलाएं जो गायब हैं उस पर गुजरात स्टोरी कब बने? आप नहीं पूछ सकते। बीजेपी के प्रवक्ता सीधे हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं, तो वो तो और कहीं चर्चा है। देखिए, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों ने लाई थी, देश को आजाद नहीं होने देना चाहते। उनका था कि फूट डालो राज करो, और बीजेपी का कहना है फूट डालो देश को लूट डालो और बगैर सजा के छूट डालो, बाकी बचे हो तो यहाँ से भाग डालो। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होगी? क्यों नहीं होगी? ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? देश में संविधान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, देश संविधान से चलता है। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ FIR तक दर्ज नहीं हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार FIR दर्ज हुए। निश्चित तौर पर अगर हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए रास्तों पर चलते रहे और सत्य अहिंसा का पालन करते हुए, पूरे देश में ये अलग जगाया जाएगा। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, पूरे देश में हर जिले में जा जाकर हम इन बेटियों के न्याय की गुहार लोगों से लगाएंगे, और पूरा देश इन बेटियों के साथ है, बेटियों के सम्मान में पूरे हिंदुस्तान मैदान। खा पंचायत कह रही आर पार की लड़ाई है जी, खा पंचायत कह रही आर पार की लड़ाई है। देखिए, निश्चित तौर पर आर पार की लड़ाई है, पहले रोटी की लड़ाई थी, हमने जीती, अब बेटी की लड़ाई है, वो भी हम जीतेंगे। रोटी और बेटी से कोई समझौता नहीं, ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है फांसी के फंदे पर लटक जाना, NSA UPA में जेल के अंदर बंद हो जाना। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि आप बेटियों की इज्जत लूटते रहेंगे और उसे 15 रुपये का मेडल बताकर पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करेंगे, ये हम सहन नहीं कर सकते। जितनी सरकारी सुविधाएं लिए, अगर है माँ का दूध पिया है तो वापस कीजिए भारत सरकार को, बेटियां स्वेच्छा से दे देगी। है हिम्मत? आप पूछिए ना सवाल, ये सवाल उससे नहीं पूछ रहे। वो कौन सा खेल जानता है? ब्रजभूषण शरण सिंह ललन टॉप में ठाई ठाई खुद हत्या स्वीकार किया। ब्रजभूषण शरण सिंह को खेल आता है, तिहार जेल में बंद था, गोली बंदूक से खेलता है। वो क्या जाने, जिसको खेलने ही नहीं आता हो
और वो तो तिहार जेल में बंद था, तिहारी था, भारतीय जनता पार्टी के अनुकंपा से वो बन गया। आप उसकी बात कह रहे हैं, आपको नहीं लगता है आप कभी आपके बच्चे ने खेल खेला है उसमें कितनी लागत आती है? दे सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह या बीजेपी का कोई नेता है किसी के बाप का दल दे दे उतना? कैसी बात कह रहे हो? ये 15 रुपए का मेडल कहा आपको शर्म है? अरे भाई सुन तू लो, ये 15 रुपए की मेडल है, ये देश के सम्मान का मेडल है, तिरंगे का सम्मान का मेडल है, जिसके लिए कागज का टुकड़ा होगा, अटीना का, तांबा का टुकड़ा होगा, हमारे लिए तो जिगर का टुकड़ा है, जैसे इंसान का किडनी है। कुछ दूसरे स्टेट के पहलवान ये भी कह रहे हैं कि अब जो उन्होंने रूल चेंज किया है वन स्टेट वन रेसलर, इसकी वजह से भी कुछ यहाँ पर राजनीति हो रही है। ये सब आप लोगों का दिमाग का उपाय है, ये दिमाग है ना जिसमें गोबर भरा हुआ है, गोबर एक अलग पदार्थ है, खेत में डालोगे खाद का काम करता है, चूल्हे में डालोगे ईंधन का काम करता है। आपसे सवाल पूछो हो जाता है वो कैसे नहीं कोई मीडिया हुआ, एक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया हुआ है, प्रिंट मीडिया आया हुआ है, सवाल पूछ रहा है, आप बताइए अगर है, सुनो ना मीडिया पूछ रहा है हमारे दिमाग बिल्कुल है। आप जो कह रहे हो कि वो 15 रुपए का मेडल पैसा मांग रहा है, तो 15 रुपए का मेडल जीतने के लिए पूरे जिंदगी लग जाती है, उस पर सवाल किया है ब्रजभूषण शरण सिंह की औकात यही पर आवाज है चार कदम पर, अगर वो ईमानदार होता सुनो ना वो निकल के आया सवाल पूछे। भाई अब आप यहां आपके घर में घुसने नहीं देगा? अरे घुसने ही नहीं देगा, आप पूछा नहीं वो नेता जीत कर दिखा दे, वही तो कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता मेडल जीत के आया हो, सवाल आप समझो माँ बाप से पूछो जो अपने बच्चों को इतनी मेहनत करके मेडल जीतने लायक बनाता है। आप पूरे हिंदुस्तान के 143 करोड़ आबादी का अपमान कर रहे हैं, वो बेटियां सिर्फ अपने लिए मेडल जीत के नहीं लाई है, और जो सहयोग राशि दी जाती है वो तो एक फॉर्मेलिटी है, प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि के रूप में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मैन जो बना हुआ आदमी जिस पर आरोप लगा वो कह रहा है प्रधानमंत्री चुप है, जो प्रधानमंत्री हर बात में भाइयों बहनों मित्रों ये तो मैं गाली देता है, तो ये क्या 143 करोड़ आबादी की गाली नहीं है? ये पूरे भारतीयों की गाली है जो ब्रजभूषण सिंह ने दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर सिर्फ बलात्कार के केस दर्ज नहीं होने चाहिए। वो बॉलीवुड का है, वो बॉलीवुड का है जो सब बॉलीवुड सम्मान लेके आई थी, सबने ट्वीट किया था, आज कोई बॉलीवुड का सलमान खान शाहरुख खान और बड़े बड़े सितारे कहां है? वो तो सबसे बड़ा बात तो है प्रधानमंत्री आप 50-50 कैमरे लगे रहते थे, तब तो आप फोटो खिंचा रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, आज ही पता प्रधानमंत्री देश की बेटियों के लिए बहुत नहीं बोल पाते, पहलवानों का बहुत नहीं बोल पाते, महिलाओं के सम्मान में महिला का मौन नहीं बोल पाते, इसका मतलब प्रधानमंत्री हकला गए हैं। और प्रधानमंत्री जी सारी मजबूरियां छोड़िए, ऐसी कौन सी मजबूरी है? ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अमित शाह जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बावजूद कार्रवाई की बात होनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा सरदार अफ्ताब के मामले में हुआ, आरी कहाँ से आया, नार्को टेस्ट हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, तमाम तरह के जाँच हैं, और उन जाँच का विषय है जाँच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब आप पहले ही से कह देते हैं सारा बात, किसान आंदोलन में तो यही बात हो रहा था, धरती के भगवान आए हैं, अब उसी भगवान को आप शैतान कह रहे हैं, आपका तो पूरा देख लिया। आप देश के किसानों को साल भर हो गए आंदोलन में बैठे, और साल भर हो गए ये कानून वापस लिए हुए, MSP पर आज तक कानून बना नहीं, बना क्यों नहीं बना? आखिर सरकार की मंशा क्या है? देश के लोगों को समझना होगा, और पूरे देश को अपने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश के बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की लड़ाई में घरों और मकानों से निकलना होगा, जंग लड़ना होगा ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे वाजपेयी बेईमानों से। ये वही कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन में आंदोलन जीवी थी, ये वही आंदोलन जीवी है ऐसा कह रहे हैं, और इसलिए अभी तक कोई ढंग का बयान नहीं आया सरकार। ये प्रचार जीवी लोग कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री 15 दिन कर्नाटक में थे, उनको टाइम था, वेतन लेंगे देश के पैसे से, जनता के टैक्स के पैसों से, और प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आएंगे, तो प्रधानमंत्री क्या प्रचार जीवी हैं? हर चुनाव में अपने घोषणा पत्र में अलग अलग बातें बोल के आते हैं, यूपी में बोल के आए होली दिवाली सिलेंडर फ्री देंगे, तो ये जुमला जीवी हैं जो वहाँ अभी सिलेंडर नहीं मिला? आप बताओ, इनके बात का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, गलती चावल में गलती से क्या शक्कर गिर गई ये उसको खीर समझ बैठे, देश की भोली भाली जनता ने इनके बहकावे में आकर वोट क्या दे दिया, ये देश को अपने बाप की जागीर समझ बैठे? यार के बाद में गिरफ्तारी क्यों नहीं? गिरफ्तारी चूंकि वो मोदी जी का राइट हैंड है। आप एक बात बताइए, आर्यन खान का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हो गया, चूंकि उसके दोस्त के पास में 5 ग्राम पकड़ाया था, अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन एक एक बार में कई बार पकड़ाया, तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुआ? इस देश में कानून साफ साफ है। देखिए सवाल अगर आप पूछिएगा अडानी पर, तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, अडानी की नहीं की जाएगी जिस अडानी ने फ्रॉड किया। जब सवाल पूछिएगा
इस पर रेप कांड पर यौन शोषण पर तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलवामा पर सवाल होगा तो सतपाल मलिक पर कार्रवाई होगी। ये पता नहीं लगाया जाएगा कि 300 किलो RDX किसका था, जेलेटिन किसकी थी, वो कार किसकी थी, यही चीज हो रहा। अच्छा